हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ सिटी स्कैनर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिटी स्कैनर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं जनरेशंस ऑफ सिटी स्कैनर के बारे में। फ्रेंड्स, सिटी स्कैनर की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद कई जनरेशन डेवलप की गई थी, जैसे फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर, सेकंड जनरेशन सिटी स्कैनर, थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर, फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर, फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर और सिक्स नंबर है हेलिकल सिटी या स्पायरल सिटी स्कैनर। तो आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर का ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट होता है। नैरो पेंसिल एक्सरे बीम, मतलब इसमें नैरो पेंसिल एक्सरे बीम का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर हैज़ ए सिंगल एक्सरे सोर्स एंड सिंगल एक्सरे डिटेक्टर, मतलब फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर में सिंगल एक्सरे सोर्स और सिंगल डिटेक्टर का यूज होता था। डिटेक्टर यूज्ड इज मेड अप ऑफ सोडियम आयोडाइड, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में डिटेक्टर होते हैं वह है सोडियम आयोडाइड से बने होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एक्सरे ट्यूब होती है और यह सिंगल डिटेक्टर होता है और यह सेंटर में पेशेंट होता है और एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली यह पेंसिल बीम होती है। दिस सिस्टम यूज्ड पैरेलल एक्सरे जियोमेट्री, मतलब इस सिस्टम में पैरेलल एक्सरे जियोमेट्री का यूज किया जाता है, मतलब इसमें एक्सरे बीम बिल्कुल समांतर चलती है। स्कैन टाइम वाज वेरी स्लो, मतलब फर्स्ट जनरेशन का स्कैन टाइम बहुत स्लो होता है। सिंगल इमेज स्कैन टाइम 4 to 5 मिनट, मतलब फर्स्ट जनरेशन में सिंगल इमेज का स्कैन टाइम 4 से 5 मिनट होता था। 5 इमेजेज ऑफ हेड टुक अबाउट 25 to 30 मिनट, मतलब इस जनरेशन में हेड की 5 इमेज में लगभग 25 से 30 मिनट लगते थे। इट वॉज यूज्ड टू स्कैन ओनली द ब्रेन, मतलब फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर का यूज ओनली ब्रेन को स्कैन करने के लिए किया जाता था, मतलब यह ओनली ब्रेन के लिए ही डेवलप की गई थी। हेड केप्ट इनक्लोज्ड इन ए वाटर बाथ, मतलब इस जनरेशन में हेड का स्कैन करने के लिए हेड को वाटर बाथ में इनक्लोज करके रखा जाता था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह हेड बैग होता है जिसमें ब्रेन को रखा जाता था और यह वाटर बाथ होता है जिसमें वाटर को भरा जाता था। और पेशेंट के हेड को वाटर बाथ में इसलिए रखा जाता था कि पेशेंट को स्कैट रेडिएशन कम से कम लगे। द हेड ऑफ द पेशेंट वाज प्लेस्ड ऑन ए वाटर फिल्ड बॉक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन, मतलब पेशेंट के हेड को स्कैटर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हेड को वाटर से भरे बॉक्स में रखा जाता था। द गैंट्री एंड डिटेक्टर वेर रोटेटेड बाई 1 डिग्री इंक्रीमेंट्स टू कलेक्ट 180 व्यूज ओवर 180 डिग्री, मतलब इस जनरेशन में गैंट्री और डिटेक्टर को 180 डिग्री पर 180 व्यूज कलेक्ट करने के लिए 1 डिग्री की इंक्रीमेंट से रोटेट किया गया था। ए लॉट ऑफ हीट वाज जनरेटेड ड्यूरिंग स्कैनिंग, मतलब इस सिटी स्कैनर में स्कैनिंग के दौरान बहुत अधिक हीट जनरेट होती थी। द सिस्टम रिक्वायर्स वाटर एंड ए कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग सिस्टम, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो हीट जनरेट होती थी उसके लिए वाटर को एक कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। अब फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। स्कैन टाइम इज़ वेरी स्लो, मतलब फर्स्ट जनरेशन में स्कैन टाइम बहुत स्लो होता था। सिंगल इमेजेज स्कैनिंग टाइम इज 4 to 5 मिनट, मतलब इसमें सिंगल इमेज का स्कैनिंग टाइम 4 से 5 मिनट लगता था। वेरी पुअर स्पाटियल रिजोल्यूशन, मतलब इस सिटी स्कैनर में इमेज का रिजोल्यूशन बहुत खराब था। सोडियम आयोडाइड इज हाइग्रोस्कोपिक, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, मतलब फर्स्ट जनरेशन में डिटेक्टर होते हैं वह सोडियम आयोडाइड से बने होते हैं और यह हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब सोडियम आयोडाइड एयर से नमी को एब्जॉर्व करता है जिससे सोडियम आयोडाइड की लाइफ कम हो जाती है। अब सेकंड जनरेशन सिटी स्कैनर की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तरह ही ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट होता है। सेकेंड जनरेशन सिटी स्कैनर इज फास्टर दैट फर्स्ट जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन का सिटी स्कैनर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में फास्टर होता है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1974, मतलब इस जनरेशन को 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नैरो फैन बीम 10 डिग्री, मतलब सेकेंड जनरेशन में नैरो फैन एक्सरे बीम का यूज किया गया था और यह 10 डिग्री पर होता था। और जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें पेंसिल बीम एक्सरे बीम का यूज किया गया था। और सेकेंड जनरेशन में जो एक्सरे ट्यूब होती है उससे निकलने वाली नैरो फैन एक्सरे बीम का एंगल 10 डिग्री होता है। इट कवर्स 10 इमेजेज ऑफ पर डिग्री, मतलब इसमें पर डिग्री पर 10 इमेजेज को कवर किया जा सकता है। लीनियर डिटेक्टर एरे, मतलब इसमें लीनियर डिटेक्टर एरे होती थी जिसमें 5 से 30 डिटेक्टर लगे होते थे। और फर्स्ट जनरेशन में ओनली सिंगल डिटेक्टर ही यूज किया गया था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एक्सरे ट्यूब होती है और यह डिटेक्टर एरे होती है। इसमें 5 से 30 डिटेक्टर लगे होते हैं और यह एक्सरे ट्यूब से नैरो फैन बीम निकलती है। और जो इसमें नैरो फैन बीम निकलती है उसका एंगल 10 डिग्री होता है। बाउटाई फिल्टर वाज फर्स्टली यूज्ड इन दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन में सबसे पहले बाउटाई फिल्टर का यूज किया गया था। स्कैनिंग टाइम वाज इम्प्रूव्ड देन द फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर्स, मतलब सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के सिटी स्कैनर की तुलना में स्कैनिंग टाइम इम्प्रूव हुआ था। स्कैन टाइम 30 सेकेंड्स, मतलब सेकेंड जनरेशन का स्कैन टाइम 30 सेकेंड होता है और फर्स्ट जनरेशन में 4 से 5 मिनट होता था। फेवर लीनियर मूवमेंट्स आर नीडेड एज देयर आर मोर डिटेक्टर्स टुगेदर द डाटा, मतलब सेकेंड जनरेशन में कम लीनियर मूवमेंट्स की आवश्यकता होती थी क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने के लिए अधिक डिटेक्टर होते हैं। बिटवीन लीनियर मूवमेंट द गेंट्री रोटेटेड 30 डिग्री, मतलब लीनियर मूवमेंट के बीच गेंट्री 30 डिग्री रोटेट किए जाते थे। मोर नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ए मोर स्कैटर्ड रेडिएशन, मतलब सेकेंड जनरेशन में नंबर ऑफ डिटेक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। इट डिक्रीज्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज, मतलब स्कैटर रेडिएशन से इमेज का रेजोल्यूशन कम हो जाता है। अब सेकेंड जनरेशन के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। शॉर्टर स्कैन टाइम, मतलब इसमें स्कैनिंग टाइम फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम होता है। स्पीड इंक्रीज्ड ऑफ स्कैनिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डिटेक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इंक्रीज होते हैं तो स्कैनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होती है। अब डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। लो इफिशेंसी, मतलब सेकेंड जनरेशन सिटी स्कैनर की इफिशेंसी कम होती है। स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज ड्यू टू नैरो फैन बीम, मतलब सेकेंड जनरेशन में नैरो फैन बीम के कारण स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज होती है। अब थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर की बात करते हैं। इसमें रोटेट मूवमेंट होता है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1975, मतलब थर्ड जनरेशन को 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। पल्स्ड वाइड फैन बीम, मतलब थर्ड जनरेशन के सिटी स्कैनर में पल्स्ड वाइड फैन बीम का यूज किया था। आर्च ऑफ डिटेक्टर्स, मतलब इसमें डिटेक्टर्स का एक आर्च होता है, मतलब इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है। स्कैन टाइम 5 सेकेंड पर स्लाइस, मतलब इसमें स्कैन टाइम 5 सेकेंड पर स्लाइस होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एक्सरे ट्यूब होती है और यह मल्टीपल डिटेक्टर्स एरे होते हैं और यह एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली पल्स्ड वाइड फैन बीम होती है। और इसमें एक्सरे ट्यूब और मल्टीपल डिटेक्टर्स में रोटेट मूवमेंट होता है। इन मॉडर्न स्कैनर द डिटेक्टर एरे ऑफ 270 टू 700 डिटेक्टर्स इज यूज्ड, मतलब मॉडर्न स्कैनर में 270 से 700 डिटेक्टर्स के डिटेक्टर एरे का यूज किया जाता है। डिटेक्टर्स आर परफेक्टली एलिग्नेड विद द एक्सरे ट्यूब, मतलब इसमें डिटेक्टर एक्सरे ट्यूब के साथ पूरी तरह से एलिग्नेट होते हैं। बोथ जेनोन एंड सेंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर्स कैन बी यूज्ड, मतलब थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर में जेनोन और सेंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर्स दोनों का यूज किया जाता है। third generation CT scanner used a large fan beam of 40 to 60 degree which covers the entire patient at a time। मतलब थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर में 40 से 60 डिग्री के लार्ज फैन बीम का यूज किया जाता है जो एक बार में ही पूरे पेशेंट को कवर करता है। द फैन बीम एंड द मल्टीपल डिटेक्टर्स एरे रोटेड अराउंड द पेशेंट। मतलब फैन बीम और मल्टीपल डिटेक्टर्स एरे पेशेंट के चारों ओर रोटेट करते हैं। ऑल मॉडर्न मेडिकल सीटी स्कैनर आर ऑफ थर्ड जनरेशन डिज़ाइन। मतलब सभी मॉडर्न मेडिकल सीटी स्कैनर थर्ड जनरेशन डिज़ाइन के होते हैं। अब थर्ड जनरेशन के एडवांटेज के बारे में जानते हैं। शॉर्टर स्कैन टाइम। मतलब थर्ड जनरेशन में स्कैन टाइम बहुत कम होता है। इसमें स्कैन टाइम 5 सेकंड पर स्लाइस होता है। गुड क्वालिटी ऑफ इमेजेस। मतलब यह जनरेशन सीटी इमेज में गुड क्वालिटी देता है। लेस पेशेंट डोज। मतलब यह पेशेंट डोज भी कम करता है। अब थर्ड जनरेशन के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। हाई कॉस्ट एंड लो इफिशिएंसी। मतलब थर्ड जनरेशन की सीटी स्कैनर बहुत महंगी होती है और इसकी लो इफिशिएंसी होती है। रिंग आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट बिटवीन मैनी डिटेक्टर्स। मतलब इस जनरेशन के सीटी स्कैनर्स में बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं तो उन डिटेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक बहाव के कारण रिंग आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। मोर स्कैटर्ड रेडिएशन ड्यू टू वाइड एंगल फैन बीम। मतलब इसमें वाइड एंगल फैन बीम के कारण अधिक स्कैटर्ड रेडिएशन निकलता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में अपन फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर, फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर और हेलिकल सीटी और स्पायरल सीटी स्कैनर के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।